8 महीनों से जहां कोरोना ने पूरे विश्व की कमर तोड़ रखी है, तो वहीं अब सब कुछ खुल गया है। खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आज फरीदाबाद के गांव जाजरू और सुरूरपुर में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। नमस्कार, मैं हूं विशाल कौशिक और आप देख रहे हैं न्यूज NCR। फरीदाबाद के सुरूरपुर गांव में पिछले 1.5 महीने से क्रिकेट टूर्नामेंट चलाया जा रहा है, जिसमें युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 21,000 रुपए की नगद राशि भी रखी गई। तो उधर जाजरू गांव में कबड्डी जैसे खेल के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 31,000 राशि का इनाम रखा गया। युवाओं में खेलों का रुझान बढ़ता देखकर गांव सुरूरपुर के आगामी सरपंच उम्मीदवार विक्रम ने एक भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस टूर्नामेंट में 60 से ज्यादा टीमों ने भागीदारी दी। तो वहीं समापन के दिन सरूरपुर सीनियर और हरेला चैलेंजर के बीच कांटे की टक्कर हुई, जिसमें हरेला चैलेंजर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 112 रन का लक्ष्य दिया, तो वहीं सरूरपुर सीनियर टीम 102 रन पर ही ऑल आउट हो गई। सर, जो टूर्नामेंट कराया जा रहा है यहाँ पर, कब से हो रहा है सर, और कौन कौन से गांव इसमें शामिल हैं? ये जी सरूरपुर का ही हो रहा है, इसमें सिर्फ सरूरपुर के ही बच्चे हैं, और इसमें हमारे गांव के साथ जो कॉलोनियाँ हैं, दुर्गा कॉलोनी, यादराम कॉलोनी, हंसा कॉलोनी, उनके बच्चे भी हैं। तो कुल मिला के 60 टीम है सरूरपुर के, उसमें आती हैं। आज फाइनल है? आज फाइनल है जी। आज फाइनल है? हाँ। और क्या इसमें इनाम राशि क्या है? इनाम राशि जी इसमें 21,000 रुपये है, जो टीम जीतेगी उसको 21,000 रुपये दिए जाएंगे, और जो दूसरी टीम है उसको 4100 रुपये दिए जाएंगे। एक 26 जनवरी को और होगा टूर्नामेंट, और उसके बाद अगर हम इलेक्शन में पार निकले तो एक हफ्ते के अंदर ही 1,00,000 की इनामी राशि का बड़ा टूर्नामेंट होगा। उसमें गांव वाले बच्चे युवा वर्ग तय करेंगे कि हमको बाहर की टीम भी रखनी है या सरूरपुर का ही रखना है। युवा वर्ग के लिए कोई मैसेज आपका? युवा वर्ग के लिए बस यही मैसेज है जी, बड़े खेलें, कूदें, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, गांव का नाम ऊंचा करें, स्टेट का नाम ऊंचा करें, और भारत का नाम ऊंचा करें जितना हो सके, और जितना हमसे सहयोग बनेगा हम उनको सहयोग भी देंगे। जाजरू गांव में एक दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 40 से भी ज्यादा टीमों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जाजरू गांव में एक दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन JJP के जिला अध्यक्ष अरविंद भारद्वाज ने किया। गांव के युवाओं ने इस प्रतियोगिता की शुरुआत ग्रामीणों और सेना से सेवानिवृत्त बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर की। इस प्रतियोगिता में 31,000 की इनाम राशि रखी गई, जिससे कि युवा वर्ग कबड्डी जैसे खेलों के लिए भी प्रोत्साहित हो सके, खेल कूद में आगे बढ़े। हमारा देश का नाम पहले से ही इस मामले में बहुत अच्छा रहा है, हमारे प्रदेश का। अगर हरियाणा की बात करें तो पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, चाहे गीता फोगाट, बबीता फोगाट, रहीम बजरंग पूनिया रहे, और बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे प्रदेश के हुए जिन्होंने नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इसीलिए यही शुभकामनाएं हमारी, तो अपने छोटे भाई हैं हमारे, इनके लिए भी कि ये भी आगे जाके देश का और प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। लेकिन ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट 31,000 फर्स्ट और 21,000 सेकंड नेशनल जो कबड्डी जो कराई गई है, समस्त गांव की तरफ से, नौजवान साथियों की तरफ से इस गेम का आयोजन हुआ, और उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में और भी बहुत बड़ा टूर्नामेंट कराने का हमारे गांव की इच्छा है। दूध दही का खाना, खेलों में महारा हरियाणा, हमेशा से ही खेलों में हरियाणा आगे रहा है। इसी प्रकार अगर ऊर्जा और लगन के साथ युवाओं को प्रोत्साहित किया जाए तो हमारे देश को नई नई खेलों में प्रतिभाएं मिल सकती हैं। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही, देखते रहें न्यूज NCR।